आप सब जानते हैं जितने भी संत साधक पीर फकीर ओलिया हुए, उन्होंने बाहरी खेती भी और भीतरी खेती के बारे में भी बात करी, क्योंकि जो बाहर दिखता है वही अंतर में होता है। और इसलिए कहा कि अंतर में जैसी बसे ने निक से मुख की बाट, और बोलत ही पहचानिए चोर साहू को खाट। इसलिए चोर साहू के घाट को पहचानने के लिए हम अपने अंतर में देखें, ताकि हमें वो नूरानी अवस्था का एहसास होने पर हमारी दृष्टि सम हो सके, हमारी दृष्टि सकारात्मक हो सके। इसी बात को सदगुरु कबीर उस बोध के साथ, उस गम के साथ, उस जानकारी के लिए एक भजन में कहते हैं कि जाग जाग मेरे भाई, थने गमनी राखी भाई। जी हाँ, एरी 5-25 को मारिया और पापी कहिए सो, अरे आ परमार्थ बूझ के पाप करो मति को। ये चेतना और जगाने की बात सदगुरु कबीर कहते हैं। इसलिए वो कहते हैं, एज कहे कबीर पुकार के और जेते नाई को, अब की बिरिया चेतले रे सो साहिब का हो। रे 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 सो साहिब का हो, अन्यथा आठों पैर हम वैसे ही इस समय को बर्बाद कर देंगे। इसीलिए कहते हैं, अरे आठों पैर यूं ही गया रे, आठों पैर यूं ही गया ने, माया मोह जंजाल, अरे सत्य नाम हृदय धरो तो जीत लिया जमकाल, अरे सत्य नाम हृदय नहीं और जीत लिया जम जा। इसलिए जाग जाओ, गम कर लो, बोध कर लो। इसलिए कहते हैं, जाग जाग मेरे भाई, नी तो जावेगा खेत थारो खाई, अरे जाग जाग मेरे भाई, नी तो जावेगा खेत थारो खाई। इसलिए गम करने की जरूरत है, बोध करने की जरूरत है। तन कहीं गम राखी भाई, वी मिरग ला गया खेत सब खाई, ओहो मिरग ला जावेगा खेत थारो खाई, इसलिए वो पंच विषय रूपी मृग, 25 विषय वासनी रूपी जो तृष्णाएं हैं, मृगनियां इस पंच भौतिक शरीर को खा जाएगी, चूक जाएगी, नष्ट कर देगी। इसीलिए कहा है,
अरे भी मिरगला जावेगा खेत थारो खाई। थाने कहीं गम राखी भाई, अरे मिरगला गया खेत थारो खाई, ये जी मिरगला जावेगा खेत थारो खाई। अरे पांच मिरगला पच्चीस मिरगली, ये जी पांच मिरगला पच्चीस मिरगली। अरे पांच मिरगला पच्चीस मिरगली, अरे पांच मिरगला पच्चीस मिरगली, और रहता इस बंद माई। ए भाई रहता काया बन माई, जागे जब तक नहीं खावे वो, अरे जागे जब तक नहीं खावे वो, अरे सूता पाछे खाई। हाँ जी सूता पाछे खाई, धन कहीं गम राखी भाई, अरे मिरगला गया खेत थारो खाई, ओहो मिरगला जावेगा खेत सब खाई। इसलिए जाग जाओ क्योंकि इस पंचभूत काया रूपी खेत के सच्चे रखवाले हम खुद हैं स्वयं के, और इसी में इसकी निगरानी करना पड़ेगा और इसके बीच में जाना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं अरे खेत धनी का मेरा खवाड़ा, ओहो खेत धनी का मेरा खवाड़ा, अरे खेत धनी का मेरा खवाड़ा, अरे खेत धनी का मेरा खवाड़ा, और बेधायत बिच जाई। हे जी बेठा बीच में जाई। बीच में क्यों? क्योंकि हर इंसान का बीच या नाभि ही इस खेत को पूरी तरह से सृजित करता है या विसर्जित करता है। इसीलिए कहा है अरे खेत धनी का मेरा खवाड़ा, अरे बेटा बीच में जाई। हाँ भाई बेटा बीच जाई। क्या करें? अरे गुरु गम भाटा लिया हाथ में, ओहो गुरु गम पत्थर लिया हाथ में। गुरु गम भाटा लिया हाथ में क्या करें? हर शब्द सल सन्नाई, हे शब्द सल सन्नाई, और शब्द रूपी पत्थर, शब्द रूपी भाटा या शब्द रूपी वो तीर लगने पर ही वो मेरे दूर हटेंगे। क्या हुआ? अरे भाग गया मेरे भाई,
अरे भागी गया मेरे भाई, क्यों भाग गए क्योंकि जाग गया तू भाई, नहीं तो जाता खेत थारो खाई, जाने कहीं गम राखी भाई। अरे मिरगला गया खेत थारो खाई, ओहो मिरगला जावेगा खेत थारो खाई। इसलिए अंतर में जो हर इंसान के अंतर में वो भजन वो सुमरण अखंड रूप से जो होता है, जिसे किया नहीं जाता अपने आप होता है, उससे जुड़ने का संकेत यहाँ सद्गुरु कबीर करते हैं। और वो कहते हैं, अरे भाव का भाला सूरत का बाणी, ओहो भाव का भाला सूरत का बाणी, यदि भाव का भाला सूरत का बाणी, और भजनों की भीड़ रड़ाई, हे जी भजनों की भीड़ रड़ाई, अरे चार पैर निश्चय कर राखो, अरे चार पहर निश्चय कर राखो, अरे चार पहर निश्चय कर राखो, तो जोत में जोत समाई, हे जी जोत में जोत समाई, तन कहीं गम राखी भाई। अरे मिरगला गया खेत सब खाई, ओहो मिरगला जावेगा खेत थारो खाई, इसीलिए तो कहते हैं लोग कि चार पैर घर की तो एक पैर हर की। इसलिए कम से कम एक पहर के लिए हम उससे जुड़ जाएं। और इसीलिए आखिरी में कहते हैं कि यदि ऐसा होगा तो, अरे अब के ध्यान धरो मेरे भाई, हाँ अब के ध्यान धरो मेरे भाई, आपके ध्यान क्यों धरे, क्योंकि मानव जीवन ही ऐसा है जो नर से नारायण बन सकता है। तो इसीलिए इस अवसर को हम अपने हाथ से नहीं घुमाएं, एहसास करने का विषय है, प्रत्यक्षभूति करने का विषय है। इसलिए वो कहते हैं, अरे अब के ध्यान धरो मेरे भाई, ये जी अब के ध्यान धरो मेरे भाई, ये अब के ध्यान धरो मेरे भाई, क्यों अरे यो अवसर नहीं आई, ये जी यो अवसर नहीं आई, कहें कबीर सुनो भाई साधो, यदि कहें कबीर सुनो भाई साधो, हर कहे कबीर सुनो भाई साधो, या शब्द में सूरत मिलाई, शब्द में सूरत समाई, अब जाग गया मेरे भाई,
तो जाता खेत थर खाई। अब गम कर ले मेरे भाई, वी मिरगला जावेगा खेत थर खाई, ओ हो मिरगला जावेगा खेत थर खाई। तन कई गम राखी भाई, अरे मिरगला गया खेत थर खाई, ओहो मिरगला जावेगा खेत थर खाई, ए जी मिरगला गया खेत थर खाई।